डाउन सिंड्रोम असल में एक ऐसी कंडीशन है जो कि पैदाइशी तौर पे बच्चों में जेनेटिकली या जीनियाती तौर पे मौजूद होती है। यूजली कहा जाता है कि अगर माँ की उम्र 35 साल से ऊपर है तो ये प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा आ सकती है। और इसको डायग्नोज करने के हवाले से हाँ, जब तक के बहुत दफ़ा ये होता है कि अगर 35 ईयर्स से ऊपर की माँ है तो हम अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे और कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी या अगले 3 महीने यानी कि टोटल फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ अल्ट्रासाउंड्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि जो बच्चा माँ के पेट में है वो इस वक्त डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली डाउन सिंड्रोम एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका जो ट्रीटेबल नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ अगर हमें पहले 6 महीने में पता चल गया कि माँ के पेट में जो बेबी है वो डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है तो हम कुछ ऐसी दवाएं या कुछ ऐसे मेजर्स लें जिससे इस प्रॉब्लम को ठीक कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। इन बच्चों को दुनिया में आने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या ये वाले बच्चों में कहा यह जाता है कि इन बच्चों का IQ लेवल आम बच्चों के मामले में थोड़ा के लिहाज से थोड़ा कम होता है। इन बच्चों में कुछ इम्यूनिटी यानी कि कुव्वत मुदाफ़ियत थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है या ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी एज के साथ ग्रोथ का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एक बच्चा जिसको अगर अपने बाकी बच्चों के जो कि साथ की एज के बच्चे हैं उनकी लिहाज से अगर ग्रोथ में प्रॉब्लम है या डेवलपमेंटली प्रॉब्लम यानी कि उनका बैठना उठना चलना बोलना ये सारी जो चीज़ें जो वक्त के साथ फर्स्ट 2 ईयर्स यानी शुरू के 2 साल में जो बच्चे अपनी एज के साथ सीखते हैं ये बच्चे थोड़ा सा पीछे होते हैं तो इन बच्चों को उसकी मदद के लिए हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी ये थेरेपीज़ हैं जो उनकी मदद कर सकती हैं उनके प्रॉब्लम को थोड़ा सा सही से लेके चलने के लिए। लेकिन हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि ये बच्चे कम्प्लीटली नॉर्मल हो सकते हैं। सेकेंडली, ये बच्चे बहुत ईजीली आप दूसरे बच्चों के बीच में बैठे हुए डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ इनका चेहरे की साख्त, इनकी आँखें, इनका ओवरऑल बिहेवियर वो आम बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो इन बच्चों को आप बहुत आराम से नॉर्मल क्राउड में देख सकते हैं और आपको पता है हमारे माशरे में ज़रा सा भी कोई नॉर्मल से हटके है तो बहुत इजीली लोग उनको एक अलग तरीके से डील करने लगते हैं। सो फॉर दैट रीज़न हमारे यहाँ कुछ स्पेशल स्कूल्स हैं जहाँ पर इन बच्चों को एडमिट किया जाता है यानी कि उनको अपने उन जैसे बच्चों के साथ रखा जाता है सो दैट उनको उनके साथ लिहाज से उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को डील किया जाए ताकि उनमें किसी भी किस्म का कोई कोई डिप्रेशन या आई वुड से के कोई मेंटल इश्यूज ना हो। ये बच्चों में एक ख़ास बात जो मैंने पहले नहीं बताई, ये बच्चे नॉर्मल बच्चों के लिहाज से IQ तो कम होता है लेकिन इनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूज़िक आर्ट्स बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे बच्चों को अगर उनकी जो अंदर इनर पोटेंशियल है उसके लिहाज से ग्रूम किया जाए तो वो उसमें बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। और जो मैं जिस सक्सेस स्टोरी की बात कर रही हूँ मैं नाम भी नहीं लूँगी लेकिन वो एक फीमेल डाउन सिंड्रोम है, अब आई एम श्योर शी इज़ इन टीन्स लेकिन वो जब 8 से 9 साल की थी शी वॉज सो गुड इन आर्ट्स के उसका अपना एक एग्जिबिशन हुआ था विच वॉज अमेजिंग, इवन आई पर्सनली सॉ द पेंटिंग्स एंड द ड्राॅइंग्स एंड दोज वर अमेजिंग। सो इन बच्चों को म्यूज़िक और आर्ट्स की तरफ अगर ग्रूम किया जाए तो दे कैन डू रियली वेल। हमें लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी चीज़ जो नॉर्मल से हटके है वो यकीनन एक आजमाइश होती है और मैं वो वाले माँ बाप जिनके पास ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, आई वुड नॉट से डिसेबल बट डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके माँ बाप अगर उन्हें उनकी चीज़ों को लेते हुए अगर उनको ग्रूम करते हैं तो एक तो ये कि आई फील कि आसानी से काम करना तो सब कर सकते हैं लेकिन एक डिफरेंट एबिलिटी को लेके अगर पेरेंट्स उस बच्चे को माशरे में एक पॉजिटिवली लेके चलते हैं तो आई एम श्योर इस दुनिया में तो उसका मिलता ही मिलता है लेकिन उसकी जजा उनको जो अल्लाह देने वाला है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। आई एम श्योर वो उनका रुतबा है वो यकीनन आम माँ बाप से और ऊपर होगा। सेकेंडली आई वुड एडवाइस इनकी अगर हम ग्रूमिंग की बात करते हैं या हम इनका सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो आजकल बहुत सारी NGOs और बहुत सारे स्कूल्स इस तरह के काम करें जिसमें वो एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें ऐसे बच्चे जिनके जो बहुत सारे डाउन सिंड्रोम या और प्रॉब्लम वाले बच्चों के ग्रुप सिस्टम्स बन जाते हैं तो ऐसी फैमिलीज जो एक जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही होती हैं दे वर्क एज अ ग्रुप और वो आपस में कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो एक कम्युनिटी का सपोर्ट सिस्टम उनको बहुत मदद करता है ग्रूम करने में। हम ग्रुप
या कम्युनिटी या ऐसा सपोर्ट ग्रुप की बात करते हैं तो डिटर्मिनेशन टीवी डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है ऐसे लोगों को जो शायद अभी तक इस तरह के ग्रुप सिस्टम में नहीं गए हैं. और आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ या डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ हैं और वो जब एक साथ होंगे तो एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप होने के बाद हमारी कम्युनिटी में आई एम श्योर ये डिटर्मिनेशन टीवी इज़ गोइंग टू हेल्प पीपल अलॉट.